हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपको बढ़िया सा डिफरेंट बिल्कुल अलग तरीके का नाश्ता। और ये देखिए, देखने में भी कितना अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी। इसको हरी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय करिए, बढ़िया से खाइए, छोटी मोटी अपनी घर में पार्टी कीजिए और बढ़िया से बच्चों को भी खिलाइए, बहुत ही अच्छा है। चलिए बनाते हैं और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसको बनाएंगे अपन सूजी और आलू से। मैंने 4 आलू ले लिए हैं, बॉयल किए हुए हैं, और ये सूजी लिए मेरे पास मोटी वाली थी। आपके पास अगर पतली वाली सूजी है, बारीक वाली, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर मोटी है तो वो भी ले सकते हैं। और इसको अपन फटाफट से मोटी वाली को डाल लेते हैं मिक्सी के जार में और इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। और इधर एक कढ़ाई में कर लेते हैं थोड़ा सा तेल गरम, उसमें डाल लेते हैं राई, और फिर डालेंगे इधर जीरा, और फिर डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ। सौंफ आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा तड़कने देंगे और फिर डाल देंगे हरी मिर्ची। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा या कम। और बस थोड़ा सा इसको भून लेंगे मिर्ची को, और फिर ले लेंगे बड़ी कटोरी जिससे अपन ने सूजी ली थी, और फिर डाल देंगे इसमें पानी। तो अपन ने 2 कटोरी सूजी ली थी, तो पानी लेंगे अपन 4 कटोरी। तो मतलब सूजी का डबल लेना है अपन को पानी। तो 4 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा बॉयल हो गया है पानी। और फिर डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और फिर इसको थोड़ा सा चला देंगे। और चलाते चलाते ही अपन को जो सूजी अपन ली थी ना, उसको अपन को धीरे धीरे डालते जाना है और चलाते जाना है, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अगर आप एकदम से डाल दोगे तो वो फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे और गुठलियाँ बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो आप धीरे धीरे डालते जाइए और इसको चलाते जाइए। और बस इसको थोड़ा सा अपन सुखा लेते हैं और इसका पानी भी थोड़ा सा सूख जाए इस तरह से। और बस फिर गैस को कर देंगे बंद और बढ़िया से इसको निकाल लेते हैं फिर एक बर्तन में। और बर्तन में निकालने के बाद थोड़ा सा इसको फैला देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। और तब तक अपन ये आलुओं को मैश कर लेते हैं। तो एक मैशर ले लेंगे, इससे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें आलुओं में भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल देखिए, इस तरह से बढ़िया से मैश हो गया। और इस आलू को जो सूजी का ये मिश्रण था ना, इसमें अपन मिला देंगे बढ़िया से। और देखिए, अब इसमें डाल करके फिर डालते हैं इसमें कुछ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला थोड़ा सा, 1.5 चम्मच के करीब, और पाव भाजी मसाला थोड़ा सा, चाट मसाला, और एक काला नमक। काला नमक कम डालिए क्योंकि उसमें पहले से नमक डला हुआ है। और फिर डाल देते हैं हरा धनिया, और भी आप जो भी आपको पसंद हो सब्जियाँ वो भी डाल सकते हैं इसमें। और बस थोड़ा सा लगा लेंगे हाथों पर तेल और बढ़िया से कर लेंगे इसको मिक्स। तेल इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें आलू है तो वो चिपकेगा नहीं अपने हाथों से। और बढ़िया से इसको मसल मसल के बढ़िया सा एक डोसे के जैसा बना लेना है। देखिए, इस तरह से बढ़िया बन करके तैयार है। तो बस एक ले लीजिए चॉपिंग बोर्ड या चकला, जो भी आपके पास हो उसको ले लीजिए, और थोड़ा सा ये डो निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर इसको इस तरह से रोल करना है अपन को, बिल्कुल पतला सा। देखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम साइज़ का, इस तरह से। और फिर लेंगे एक चाकू, और चाकू की मदद से इसको इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे, बिल्कुल बराबर हिस्सों में काट करके। पूरे इसको देखिए, इस तरह से काट करके रख लेंगे। और फिर बनाते हैं नाश्ते का सेब। देखिए, मैं बना रही हूँ इसको, देखिए इस तरह से चौकोर। आप कोई बस कोई सा भी सेब दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहो मन चाहो। और बस बढ़िया से देखिए, मैंने पूरे सारे बना लिए हैं। और अगर आप झटपट बनाना चाहते हैं तो देखिए, इस तरह से गोल कर लीजिए और बस इस तरह से इसको चपटा कर दीजिए। बस बन गया ना, बहुत जल्दी बनता है, परफेक्ट बन जाएगा। और इधर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं सरसों के तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने इसको पहले ही अच्छे से हीट कर लिया था, फिर ठंडा किया, उसके बाद दोबारा से गर्म किया, तब जाके एक एक से इसको अब फ्राई कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो सरसों के तेल में स्मेल आती है वो नहीं आती है फिर। और चलिए बढ़िया से इनको आप फ्राई कर लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा सिकने देंगे थोड़ी देर, 2-3 मिनट, तुरंत ही मत इसको चला देना। और बस फिर इनको बढ़िया से देखिए, इस तरह से पलट देंगे, उलट पलट कर पूरा बढ़िया सा ब्राउन कलर का, देखिए इस तरह से सेक लेंगे। आपको देखिए दिखाते हैं कितने बढ़िया मस्त कुरकुरे और क्रिस्पी बने हुए हैं। तो बस फिर इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अच्छे से। और निकालने के बाद फिर जो अपने बचे हैं उनको भी सेक लेंगे, और उनको भी अच्छे से उलट पलट कर दोनों साइड से बढ़िया से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन। देखिए, इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और चलिए दिखाती हूँ मैंने कितने सारे बना करके तैयार कर लिए। देखिए, बढ़िया से बने हैं ना क्रिस्पी।
और देखिए अब इनको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अब मैंने ले ली हरी चटनी और हरी चटनी के साथ खाएंगे, इंजॉय करेंगे बढ़िया से। देखो अंदर से भी पूरा सिका हुआ है, तो चलिए बढ़िया से इंजॉय करिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना आगे तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरी हर रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें।